आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दलिया का कबाब। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दलिया लिए हैं। दलिया को मैंने हाफ टी स्पून देसी घी में पहले रोस्ट करके इसको अच्छे से कुक्ड कर लिया है। ये करीब 1 कप तक दलिया लिया है और इसको कुक्ड करने के लिए 2 कप इसमें पानी लगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिए हैं। एक कैरेट मैंने ग्रेट कर लिए हैं, चॉप्ड ऑनियन, धनिया पत्ता। एंड यहाँ पे मैंने सोयाबीन को बॉईल करके इसे भी ग्रेट कर लिया है। थोड़े से अदरक, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर लिए हैं और 1/2 टी स्पून के करीब यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिए हैं, यहाँ पे ग्रीन चिली ले लिया है। दलिया का कबाब बनाने के लिए अब मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उन सबको मैं एक साथ मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिए हैं, इसमें मैं सबसे पहले कुक किया हुआ दलिया डालूँगी। अब हम इसमें सोयाबीन डालेंगे, अनियन डालेंगे, ग्रेट किया हुआ। अब यहाँ पे मैं गाजर डाल दूंगी। अब आलू मिक्स करेंगे, अब हम इसमें आलू मिक्स करेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, लहसुन डालेंगे, राइस फ्लोर डालेंगे, अदरक डालेंगे, 1/2 टी स्पून तक हल्दी डालेंगे, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग आप जैसा शेप देना चाहते हैं तो वैसे शेप देकर इसका कबाब बनाएंगे। अब आप इसको ऐसे गोल गोल राउंड करके बना सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एक करके अपने कबाब को यहाँ रख लूँगी। अब हम इसे दूसरे साइड से भी ऐसे पलट के पका लेंगे। फिर मैंने सबको पलट दिए हैं। आँच को बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये और बहुत ही हेल्दी है। हम यहाँ पे पलट के देखते हैं, दोनों साइड से हमें लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए दोनों साइड से पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आँच को बिल्कुल लो फ्लेम में रख के पकाना है। वाव, ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखने में जितना ही टेस्टी लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा बना। थैंक यू।